देखो, इलेक्ट्रिकल मेथड का मतलब ये हो गया कि कैलोरी मीटर में आपने ये पढ़ा कि अगर कोई हीट को लॉस करता है, मान लो कि वो है T1 - T, और किसी ने हीट को गेन किया M2 C2, और उसका टेम्परेचर T2 यानी T - T2 है, और फिर प्लस M3 और C3 और T - T2 है, मान लो ये है। इन दोनों ऑब्जेक्ट ने, मान लो इस ये एक क्या है, ये एक सॉलिड बॉडी है, ये एक सॉलिड बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, और T1 ने हीट को लॉस किया, इसने गेन किया और इसने भी गेन किया। मान लो ये वाटर है और ये कैलोरी मीटर का बेसल है, ये कैलोरी मीटर का क्या है, बेसल है, तो इसने हीट को गेन किया। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि M2 और C2 प्लस M3 C3 और T - T2 और अपॉन में M1 T1 - T, ये फॉर्मूला होता है, कैलोरी मीटर से ये कैलकुलेट होकर आता है, और इस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हीट को वो मतलब हीट को लॉस किया है, किसी ने हीट को लॉस किया है, तो अब अगर किसी ने हीट को लॉस किया तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हीट को गेन करेगा, और जब हीट को गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, राइज होने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम डायरेक्ट हीट के फॉर्म में देख रहे हैं। क्या आपने ठंड के दिनों में पानी गर्म करके कभी नहाया है? हाँ, ज़रूर नहाया होगा कभी ना कभी। तो आप उसमें देखते हो कि पानी गर्म करने का डायरेक्ट आप गैस पर रख कर कभी गर्म कर लेते हो, कभी कभी आप क्या करते हो कि आप ऐसे एक डिवाइस होती है उसको खरीद कर लेकर आते हो और स्विच में लगा देते हो, इसको बाल्टी में डाल देते हो, और फिर क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही होती है और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और उससे पानी गर्म हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, गर्म पानी से नहाते हो। तो आपको क्या पता है कि ये जो डिवाइस आप लेकर आए हो, इसको इसमें डाल रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में बदल रही है वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जो बदल रहा है वो कितना होगा, हाउ टू कैलकुलेट इट, इसी को इलेक्ट्रिकल मेथड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड, कि इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होगा। तो अगर आपने जो डिवाइस लिया है उसका पावर पी है, कोई भी डिवाइस होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा, तो उसका पावर ज़रूर होगा, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज होता ही होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहाँ वर्क तो आप मैकेनिकल वर्क तो कर नहीं रहे हैं, मैकेनिकल वर्क तो कर नहीं रहे हैं आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, वाटर को गर्म करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वाटर गर्म करा रहे हैं तो वाटर का जो ये वर्क है वो उसकी हीट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज़ कॉल्ड हीट, और जितनी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट हुआ है, जितना वर्क करना पड़ेगा हीट करने, इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में, वो हीट के इक्वल ही रहने वाला है। तो फिर यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो Q/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि कितना आपने 20 लीटर वाटर लिया है गर्म करने के लिए, तो उसका मास हो गया, वाटर की स्पेसिफिक हीट है तो उसकी C हो गया वो, और वाटर का पहले टेम्परेचर हमारा T1 = 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हमने उसको गर्म कर लिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, T2 - T1 लेना पड़ जाएगा। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो Q होगा वो MC ΔT यानी कि T2 - T1 या MC ΔT के बराबर होगा, ये हीट बराबर होगा। तो हम P = ये वैल्यू लिख सकते हैं, MC ΔT / t। तो ये भी हमारा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल मेथड में पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। या हो सकता है कि आप Q = P * T लिखें, और P की वैल्यू VI भी होती है, तो Q = VI और t, ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में बहुत सारे चांसेस हैं आपको ऐसे मिलने के कि VIt = Q है, होता है क्या, होता है Q होता है, और
और कहीं ना कहीं आपको ऐसा घुमाव मिल जाए कि MC ΔT रखो, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ ले आपको, तो ऐसे भी मिल सकता है। तो एग्जैक्टली इसकी कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं इस फॉर्मूले के। आप इन सारे फॉर्मूलों को आप नोट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको हीट एनर्जी, पावर और टेम्परेचर में आपका कनेक्शन रख कर और सॉल्व कर सकते हो। तो बस यही था इलेक्ट्रिकल मेथड जो जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर सकते थे और कोल्ड कर सकते थे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सब के टर्म में। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।